तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रिज की रेंज लगी हुई है। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा फ्रेंड्स, टॉप फाइव ब्रांड के रिव्यू दूंगा, जो कि आप कंफ्यूजन ना हो कि मेरे को कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, क्या इनमें दिखाऊंगा कि कैसा इनका स्टोरेज है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सैमसंग का डबल डोर, और फ्रेंड्स ये है एलजी का डबल डोर जो कि 235 सीटर में है, और फ्रेंड्स ये है आपका हायर का डबल डोर जो कि आपका 240 लीटर के अंदर है, और फ्रेंड्स ये है आपका वर्लपूल का 235 सीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, और ये है फ्रेंड्स बॉस का 242 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसा स्टोरेज है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो रिव्यू दूंगा वो आपको सैमसंग के डबल डोर 236 सीटर का रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 236 सीटर का मॉडल है जो कि 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर फ्रेंड्स RT28C3021GS मॉडल है। फ्रेंड्स साइड से अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो साइड से ये पूरा का पूरा लेदर फिनिश में आता है। अगर हम इसके लुक की बात करें तो ये आपका फ्लैट डोर लुक में है और ग्रे कलर का है और पॉकेट हैंडल के साथ है। तो फ्रेंड्स इसके सबसे पहले हम इंटरनल देख लेते हैं कि इंटरनल में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो ये फ्रिज है फ्रेंड्स, फ्रीजर में फ्रीजर जोन है जिसमें कि आपको एक आइस ट्विस्टर बॉक्स मिलता है जो कि अभी फिलहाल आइस वेजिटेबल के बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे आपको ये प्लेन शेल्फ दिया गया है जिसके आप फ्रोजन आइटम वगैरह रख सकते हो। इंटरनल ये फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर कंट्रोल है जहाँ पे कि आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अगर डोर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको दो डोर रैक दी गई है फ्रीजर में। फ्रिज जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन रैक दी गई है, जिसमें कि एक रैक जो होती है आपकी स्लाइडिंग रैक होती है, इजी स्लाइड यानी स्लाइड करके आप यहाँ पे सामान रख सकते हो, और दो रैक जो होती है टफ एंड ग्लास वाली होती है, यानी ये टफ एंड ग्लास है, एक रैक आपकी एडजस्टेबल भी है। वेजिटेबल बॉक्स है जो कि आपके दो से तीन मेंबर के लिए ही यूजेबल है, ठीक है फ्रेंड। इसके ऊपर भी आपके टफ एंड ग्लास का है, यहाँ पे भी आप सामान वगैरह रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें इसके फ्रिज के डोर की, जिसमें कि आपके टोटली तीन रैक है। नीचे भी आपको स्पेस मिलता है जिसमें कि आप बोतल्स वगैरह रख सकते हो, ऊपर भी आप डबल लीटर की बोतल, और अगर आप एक के शौकीन है तो एग भी रखिए, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी एडिशनल सामान रख सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, टमाटर वगैरह हो गए वो चीज़। इसकी जो गैसकेट होती है फ्रेंड्स, जो गैसकेट होती है रिमूवेबल गैसकेट होती है। तो फ्रेंड्स इसमें फीचर्स ऐसे क्या है कि ये फ्रिज आपको लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है आपका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। इसका जो कंप्रेसर है फ्रेंड्स, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है जिसकी की कंपनी आपको 20 साल की वारंटी देती है, ठीक है। बात करते हैं इनके रीजन की, कितने रीजन होते हैं। फोर रीजन होते हैं इसको बाय करने के, यानी 15 डेज तक फुल फ्रेशनेस ये रहेगा वेजिटेबल वगैरह। स्मार्ट सेंसर इसमें लगे रहते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपके टोटली चार सेंसर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं फ्रिज में, जो कि ऑटोमेटिकली सेंस करते हुए उतनी ही कूलिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स को जितनी की उसको चाहिए होती है। अप टू 31% तक फास्टर आइस मेकिंग ये करके देता है। अगर आपके घर में होम इन्वर्टर है तो उसे भी चला सकते हैं, और ये आप अपने सोलर एनर्जी पे भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, ये भी इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसकी जो यूनिट पर ईयर फ्रेंड्स 302 यूनिट पर ईयर इसकी है। वारंटी की बात कर लेते हैं तो कंपनी इसमें आपको टोटली 1 ईयर की वारंटी और 20 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स प्राइस रेंज भी चलो बात कर लेते हैं साथ ही साथ। तो इसका जो मार्केट प्राइस रेंज है फ्रेंड्स, आपको 23,500 से लेके आपको 25,000-26,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट फ्रिज की। तो ये है फ्रेंड्स बॉस का 242 लीटर का फ्रिज जो कि 3-स्टार रेटिंग के अंदर आता है। अगर इसके हम यूनिट पर ईयर की बात करें तो 242 यूनिट ईयर ये आपको ले रहा है। बाहर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये स्टील लुक में आपको मिल रहा है, और डिस्प्ले ही इसका बाहर पे ही है, यानी इसका जो फ्रिज जोन होता है फ्रेंड्स, फ्रिज सेक्शन, उसका जो डिस्प्ले होता है वो यहीं से आप फ्रिज ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। सुपर पे करना है सुपर पे करिए, कोल्ड एंड कोल्डेस्ट पे करना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिला हुआ है। बात कर लेते हैं इंटरनल जोन की। तो इंटरनल जोन में अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये है आपका फ्रीजर जोन जिसमें कि आपको एक आइस ट्विस्टर बॉक्स मिलता है, जिसमें कि आप ट्विस्ट करके आइस क्यूब इसमें नीचे वाले कंटेनर में निकाल सकते हो। फ्रीजर का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स यहीं से है कोल्ड एंड कोल्डेस्ट का। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके फ्रिज जोन की। तो इसमें आपको टोटली तीन सेल्फ दी गई है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको स्पेशली जो फीचर्स मिलता है फ्रेश सेंस मिलता है। फ्रेश सेंस में क्या हो गया
कि जो भी आप इसमें प्रोडक्ट वगैरह रखते हो तो वो प्रॉपरली क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री होता है, यानी एक टाइप से। इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो तीन सेल्फ आपको मिल रही है वो काफ़ी एडजस्टेबल है, यानी नीचे वाली और बीच वाली सेल्फ भी आपकी प्रॉपरली एडजस्टेबल है, यानी बर्तनों के हिसाब से आप यहाँ पे फुल्ली स्पेस यूज़ कर सकते हो। वेजिटेबल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो वेजिटेबल है वो भी काफ़ी बड़ा वेजिटेबल है, एवीएस का वेजिटेबल है, यानी एवीएस का प्लास्टिक, यानी ब्रेक नहीं होगा, यूजेबल है। डोर स्पेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो डोर स्पेस में आपको इसमें तीन रैक मिल रहे हैं, यहाँ पे आपकी 2 लीटर की बोतलें, यहाँ पे आपके एग वगैरह या फिर जो भी छोटे सामान होते हैं आपके घरों में किचन का पर्पज़ का, फ्रिज के यूज में, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो फ्रेंड्स। इसकी भी जो गैस्केट होती है वो भी रिमूवेबल होती है, यानी इस गैस्केट को भी आप निकाल के आराम से क्लीन कर सकते हो। बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर की, तो इसमें आपको मल्टी एयर फ्लो भी मिलता है फ्रेंड्स। मल्टी एयर फ्लो का काम क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हर सेल्फ है, सारी सेल्फ में अलग अलग डक्ट दे रखी है जो कि चारों तरफ कूलिंग को प्रोवाइड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। एयर फ्रेश फिल्टर भी रहता है। एयर फ्रेश फिल्टर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, एयर फ्रेश फिल्टर का काम जो बताया था, बैड स्मेल्स वगैरह को दूर करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाहर में कि क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो फ्रेंड्स इसकी जो वारंटी है, 1 ईयर की इसकी टोटल वारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स, और 10 साल की इसके कंप्रेसिव वारंटी है। इसके अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो ये CTN27S031i इसका मॉडल है। साइड से भी लेदर फिनिश रहता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। इसके हम चलिए प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस रेंज है मार्केट में, आपको 30,000 से लेके 33,000 तक का इसका प्राइस रेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम LG की। तो LG का ये नेट कैपेसिटी जो है 235 सीटर का है ये फ्रेंड्स। इसके अगर हम मॉडल की बात करें तो GL-N292BDSY इसका मॉडल है। ग्रे कलर का है, पॉकेट हैंडल के साथ है, साइड से पूरा लेदर फिनिश है फ्रेंड्स। और फीचर्स की बात करते हैं तो इसको आप रन्स ऑन होम इंटर पे यूज़ कर सकते हैं, और लोअर डोर सेल भी इसमें मिलती है, मल्टी ईयर फ्लो है, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार रेटिंग जो है इसकी 2 है और 248 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनल स्टोरेज की कि इंटरनल स्टोरेज का कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये है इसका इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे आपको आइस मेकर दिया जाता है जिसमें कि आप पानी फिल करते हो, ट्विस्ट करते हो और बॉक्स में आ जाता है। इसमें फ्रेंड्स रैक दे रखी है, जैसे कि और में सेल्फ थी लंबी, इसमें ये रैक दे रखी है। इंटरनल इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल एंड मिनिमम इसमें आपको दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। कंपनी यहाँ पे साइड में भी स्टिकर में दिखाती है कि आपको किस टाइप का टेम्परेचर रखना है, किस सीजन के हिसाब से रखना है, यहाँ पे सब चीज़ दिखा रखा है, ठीक है। डोर जो है इसमें, डोर पे 2 रैक दे रखे हैं फ्रेंड्स, सॉरी 2 रैक दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो फ्रेंड्स इंटरनल स्टोरेज में इसमें आपको टोटली 3 रैक दिए गए हैं फ्रेंड्स। 3 रैक जो है एकदम एडजस्ट है, यानी आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी अप डाउन अगर करना हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने उसी हिसाब से बनाया गया है। ये वाली जो रैक है यहाँ पे आप बड़ा बर्तन रख सकते हो, बाकी यहाँ पे छोटे मोटे बर्तन रख सकते हो। डोर सेल्फ की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 रैक दे रखे हैं, यानी नीचे भी आपको रैक दे रखे हैं जो कि काफ़ी स्पेस, इसमें 3 इंच का स्पेस है जो कि छोटा मोटा सामान के लिए, यहाँ पे 2 लीटर की बोतल के लिए और यहाँ पे आपके एग वगैरह या फिर कोई भी छोटा मोटा सामान रखना हो। और ये है इसका वेजिटेबल बास्केट जो कि काफ़ी बड़ा है, यानी बॉस जो है और LG का है ऑलमोस्ट सेम वेजिटेबल रैक आपको मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसकी अगर हम बात करते हैं फ्रेंड तो ये भी आपका गैस्केट जो है रिमूवेबल गैस्केट है। चलिए आप बात कर लेते हैं फ्रेंड इस फ्रिज की वारंटी की। तो फ्रेंड इसमें आपको कंप्रेसर जो मिलता है, इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, और जिसकी वारंटी 10 साल की होती है और 1 साल की टोटल वारंटी इसमें रहती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम हायर पे। तो फ्रेंड्स ये है हायर का सिंग डबल डोर फ्रिज जो कि 240 सीटर का है और 2024 का लेटेस्ट मॉडल है फ्रेंड्स। 270 यूनिट ये पर ईयर ले रहा है, 2 स्टार रेटिंग है और आपका ये कन्वर्टेबल मॉडल भी है फ्रेंड्स। अभी तक जो मैंने आपको मॉडल्स बताए थे वो विदाउट कन्वर्टेबल थे, ये वाला फ्रिज जो है इसका कन्वर्टेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके कुछ फीचर्स की। तो कलर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ब्लू कलर में है, काफ़ी अच्छा पैरा लुक है।
कन्वर्टेबल के साथ है। फ्रेंड्स कन्वर्टेबल का क्या मतलब है, 5-in कन्वर्टेबल का, इसका जो फ्रीजर है फ्रेंड्स, इसके फ्रीजर को आप फ्रिज में भी यूज कर सकते हो, यानी कन्वर्ट करके। ठीक है फ्रेंड्स, अप टू 12 आवर कूलिंग रिटेंशन, यानी अगर आप इस फ्रिज को यूज करते हो और इसमें जो आइस या फिर ठंडक जो जमी रहती है, अगर लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद भी अप टू 12 आवर तक कूलिंग रिटेंस करता रहेगा, यानी कूलिंग को लॉस नहीं करेगा कुछ कंडीशंस के हिसाब से। साथ ही साथ इसको आप कनेक्ट होम इन्वर्टर, घर के होम इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं चलिए इसमें पॉकेट हैंडल की। तो इसमें आपको ये साइड में पॉकेट हैंडल दिए जाते हैं दोनों डोर पे, इनडोर आपका ऊपर और नीचे। इंटरनल की बात कर लेते हैं, ये है इसका फ्रीजर जोन। तो फ्रेंड्स फ्रीजर जोन की बात कर लेते हैं, तो फ्रीजर जोन में क्या दिया गया है, फ्रीजर जोन में आपको एक सेल्फ दी गई है, ग्लास सेल्फ जो टफ एंड ग्लास है। सामने ही आपको टेम्परेचर कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया है, जहां से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है इजीली टू है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो आप इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टेबल, एनर्जी सेविंग, नॉर्मल और सुपर फ्रिज में भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है फ्रेंड्स इसका आइस ट्विस्टर बॉक्स, यानी इसको आप उठा के कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल है, इसमें ये ऊपर का अलग से दे रखा है, इसको आप फ्रंट को पलट के ऐसे डाल सकते हो, ट्विस्टर वाला नहीं है बट नॉर्मल आपको दे रखा है कंटेनर टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोर स्पेस में देखते हैं तो डोर स्पेस में आपको दो रैक दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंटरनल फ्रिज सेक्शन की। तो ये इसका इंटरनल फ्रिज सेक्शन है, जिसमें कि आपको टोटली 3 रैक दी गई है फ्रेंड्स। 3 रैक के साथ इसमें वेजिटेबल के ऊपर भी आपको ग्लास सेल्फ दी गई है, जिसके ऊपर आप रख सकते हो। इसकी जो फ्रेंड्स रैक है, एक बीच वाली जो मिडल रैक है, बीच वाली मिडल रैक को आप चेंज कर सकते हो, यानी अप डाउन कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सामने ही अगर इसका कंट्रोलर देखें फ्रिज का, तो ये इसका फ्रीजर, फ्रिज का कंट्रोलर है, जिसमें कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कोल्ड से कोल्डेस्ट में भी कर सकते हो मैनुअली यूज करके। यहाँ पे इसकी LED लाइट होती है। डोर स्पेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें 3 डोर रैक है, जिसमें कि आप 2 लीटर की यहाँ पे बोतलें, और यहाँ पे आपको एग के लिए अलग से स्पेस नीचे भी दे रखा है। अगर यहाँ पे एग वगैरह आपके शौकीन नहीं है तो आजकल मार्केट में नींबू आते हैं, तो नींबू या फिर टमाटर भी आप रख सकते हैं। और ये हो गया आपके नॉर्मली जो सामान होता है उस चीज़ के लिए हो गया दोनों के दोनों रैक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चलिए वारंटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कंपनी इसमें जो वारंटी देती है फ्रेंड्स, 2 ईयर की टोटल वारंटी देती है, और 10 ईयर की फ्रेंड्स इसमें कंप्रेसर और फैन की मोटर की वारंटी भी देती है। तो फ्रेंड्स ये था हायर का। अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो मार्केट में आपको ये 26,000 से लेके 27,000 की रेंज में आराम से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं व्हर्लपूल के रेफ्रिजरेटर की। तो फ्रेंड्स ये है व्हर्लपूल का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि 235 सीटर के अंदर है, जिसकी यूनिट पर ईयर फ्रेंड्स 265 है, और 2-स्टार रेटिंग का ये है फ्रेंड्स। सिल्वर कलर का मॉडल है, नियो फ्रेश के नाम से आता है, 235 लीटर सिल्वर कलर आपको मिल जाएगा मार्केट में आराम से, जिसकी मार्केट की स्टार्टिंग प्राइस जो रेंज होती है फ्रेंड्स आपको 24,500 से 26,500 के बीच में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं इंटरनल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डोर में क्या क्या है। डोर में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम मिलते हैं दोनों डोर में, ऊपर और नीचे। फ्रीजर जोन है फ्रेंड्स इसका, ये फ्रीजर सेक्शन है, जिसमें कि आपको सामने ही डीप फ्रीज करके भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। डीप फ्रीज क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, कोई रीजन तो हो गई। डीप फ्रीज इसलिए लिखा हुआ है कि जब आप इसको सुपर चिल पे चलाते हो, तो सुपर चिल में क्या होता है फ्रेंड्स, सुपर चिल जो होता है एक टाइप से डीप फ्रीजर की तरह काम करता है। यानी घर में हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनस डिग्री पे जाना पड़ता है, वो सामान सिर्फ माइनस डिग्री पे ही जाएगा, तो उस टाइप का ये डीप फ्रीजर का तरीके में भी काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आइस ट्विस्टर बॉक्स होता है फ्रेंड्स वो आपका नीचे ही आता है, वेजिटेबल बॉक्स के अंदर रखा रहता है। डोर स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके फ्रोजन आइटम आते हैं, जो कि 2 डोर रैक दिए गए हैं। चलिए फ्रिज सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रिज सेक्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एवरीडे फ्रेश का एक अलग से स्टोरेज मिल रहा है, यानी ये स्लाइडर सेल्फ है फ्रेंड्स, यानी इसको आप स्लाइड करके, बाहर की साइड स्लाइड करके कोई भी लिक्विड वाला सामान आराम से उठा सकते हो, ताकि वो इधर उधर गिरे ना और आपकी सेल्फ वगैरह खराब ना हो। नीचे बात करेंगे तो इसमें 2 सेल्फ है फ्रेंड्स, जो कि एडजस्टेबल है, यानी ये सेल्फ जो है फ्रेंड्स वो एडजस्टेबल है, ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, या फिर नीचे वाली ऊपर कर सकते हैं। ये होता है टफ एंड ग्लास के साथ। फ्रिज टेम्परेचर की बात करेंगे तो फ्रिज टेम्परेचर सामने ही है कंट्रोलर, जिसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम भी कर सकते हो, लो एंड आपका क्विक चिल, ठीक है, मीडियम और हाई भी कर सकते हो।
बात करेंगे वेजिटेबल बॉक्स की, तो इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है फ्रेंड्स बिगर वेजिटेबल बॉक्स है, मॉइस्चर कंट्रोल भी आप इसमें कर सकते हैं, यानी अगर आपको फ्रूट रख रहे हैं तो फ्रूट पे रख रहिए, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल पे रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो डोर स्पेस की बात कर लेते हैं, तो डोर पे फ्रेंड्स इसमें चार रैक दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, चार रैक में जी, नीचे भी एकदम खुला स्पेस है, ऊपर भी आपको 2 लीटर की बोतल के लिए अच्छा स्पेस है, और ऊपर भी यहाँ पे स्पेस है, यानी इजी रैक है जिसमें कि आप एग के लिए अलग से दे रखे हैं, एग यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको हटा सकते हैं, जो आपका बेसिक सामान होता है घर में वो भी आप यहाँ पे पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो गैस्केट होती है फ्रेंड्स, इसकी जो गैस्केट है वो भी रिमूवेबल गैस्केट है, इसको भी आप इजी टू निकाल के क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसकी जो वारंटी है फ्रेंड्स कंपनी ने जो दे रखी है आपको, कंपनी की वारंटी 1 ईयर की टोटल है, 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। स्टिकर आप देख रहे होंगे, आपने बोला कि स्टिकर के बारे में नहीं बताया है, तो इसके यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि इसमें है ही है, जो कि वेजिटेबल केस में था, हनीकॉम क्रिस्पर कवर दिया जाता है, इसको बोलते हैं हनीकॉम क्रिस्पर कवर, जो कि मॉइस्चर बनने नहीं देता है, ठीक है। आउटडोर मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं, 99% तक बैक्टीरिया ग्रोथ जो होते हैं प्रिवेंशन वो हकील करता है, 7 डेज फ्रेशनेस रहते हैं, 35% फास्टर करता है, जो कि मैंने आपको बताया था सामने ही, समर चिल का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, अप टू 12 डेज तक फ्रेशनेस रहती है। तो फ्रेंड्स ये था वर्लपूल का 235 लीटर का डबल डोर फ्रिज। तो फ्रेंड्स अगर आप इन डबल डोर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, जिनके बारे में मैंने आपको आज बताया है, तो आप बेचक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि अगर आपको कुछ भी कंफर्मेशन लेनी है, कुछ भी इनके बारे में पूछना है, तो मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।